तो जबलपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अभिलाष पांडे ने नई दिल्ली में संपन्न हुए रेलवे बोर्ड की बैठक में रेलवे बोर्ड से अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनको रेलवे बोर्ड ने अपने मिनट्स में शामिल कर लिया है। वहीं रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे ने बताया कि नई दिल्ली के रेलवे बैठक में उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर रेलवे बोर्ड की सुझाव दिए गए हैं। ऐसी कमेटी की बैठक संपन्न हुई, इस बैठक के अंतर्गत मेरे द्वारा कुछ सुझाव रखे गए, जैसे सीनियर सिटीजन्स को किराए में रियायत देने की बात हो, कोविड के समय जिन ट्रेनों का स्टॉपेज कम हुआ था वो स्टॉपेज अब फिर से उन स्थानों पर बढ़ाया जाए, जैसे उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, मक्षी, साजापुर, उज्जैन, रतलाम, इस बेल्ट पे भी जो ट्रेनों के स्टॉपेज मध्य प्रदेश में कम हुए हैं उन स्थानों पर ये स्टॉपेज बढ़ाए जाएं। साथ ही अन्य और भी सुझाव दिए गए हैं और रेल की समिति ने इस सुझावों को अपने मिनट्स में शामिल किया है। मेरा आदरणीय पी के कृष्णदास जी को ये सुझाव जो दिए गए हैं, मुझे लगता है कि यदि इन सारे विषयों को उसमें समाहित किया जाएगा, चाहे क्वालिटी फूड की क्वालिटी बढ़ाने की बात हो, चाहे अन्य प्रकार के रेलवे से संबंधित जितने भी विषय कमेटी में आए हैं, इन विषयों को यदि रेलवे बोर्ड में रखा गया है और इसे यदि रेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता मिलती है तो मुझे लगता है कि रेल में यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। एक विषय और महत्वपूर्ण है कि जबलपुर से नागपुर तक जो मरीजों को लेकर जाने वाली एक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए ताकि लोग